चल भी नहीं रेडी राखी जी। राखी जी आज दोपहर को आप जब जिम से बाहर निकले तभी आप काफी रश में थे, आपने मैंने वीडियो देखा आपका आज दोपहर का, काफी रश में थे और काफी टेंस लग रहे थे आप दोपहर को। हाँ मैं पुलिस स्टेशन गई थी, आदिल ने बहुत गलत एक मेरे लिए बयान दिया था, बहुत गंदा। जाके मैडम को मिली मैं, मैं इस पे तो विश्वास करती नहीं हूँ, मैं ये कुरान की फिर से झूठी कसम खा लेगा। बहुत गंदा मेरे लिए बयान दिया, बहुत गंदा, जो एक औरत कभी नहीं सोच सकती है, बहुत गंदा। मैं बोली झूठ बोलो तो ढंग का तो बोलो यार। फिर मैडम ने उसको फोन पूछा, तभी बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत गंदा बोला, पता है ना? बिल्कुल, बहुत गंदा मेरे लिए बोला। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे लिए ऐसा गंदा बोले, मेरे पे दाग लगे, मैं अपने पे दाग कभी नहीं लगा के लूँगी। तो रिएक्शन लगाने की कोशिश तो करेंगे। हाँ नहीं, उसने ऐसा बोला कि अथर रोड जेल में एक एक बंदा मिला था, उसने कुछ मेरे लिए गंदा बोल दिया। तो मैंने उधर, अगर तू पति था मेरे को प्यार करता तो फटके देने चाहिए था ना उसको। बोलते फिर मैडम ने उसको पूछा, बाद में डिनाई किया। जब सच ही नहीं होगा तो डिनाई तो करना ही है, और डिनाई करना तो पुरानी आदत है। ये अंदर बैठा है फिर भी हेकड़ी नहीं जा रही है इसकी, दाग पे दाग, दाग कितने दाग दोगे मुझे? कुछ नाम लिया? सारी जिंदगी कब्र में जाते जाते मतलब इतने दाग दे दिए कि मिटा नहीं पाऊंगी। आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस ने कुछ आपकी बातचीत की आज? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी बातचीत नहीं, वो डायरेक्ट उनसे बात किया, हमको मिलने का मौका नहीं देते और ना ही मुझे मिलना है। हाँ उनको कुछ कपड़े या कुछ भी ज़रूरत है, बीवी तो हुई ना मैं, कपड़े या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, बट शायद वो मुझसे नहीं ले रहे, वो पति चोर से ले रहे। क्यों ऐसा लगता है? नहीं कपड़े चेंज हो रहे हैं ना, इतने बैग भर के कपड़े आए हैं, डिफरेंट कपड़े उन्होंने पहने थे। नहीं मैंने देखा ना, क्या आपको लगता है उस दिन कल मैं मिलने गई थी तो बैग भर के कपड़े थे वहाँ, तो कौन लाके दिया? यहाँ पे तो उनका कोई भी नहीं है। मैसूर से क्या क्या कुछ खबर आ रही है? मैसूर जाने वाला है केस और आप भी मैसूर जाने वाले हो, इसको लेके क्या? हाँ मैं मैसूर जाऊँगी, मैं मैसूर जाऊँगी, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा ससुराल है डेफिनेटली मैसूर। आदिल का ये ससुराल है, तो आदिल अभी ससुराल में है। सही बोला। हाँ बिल्कुल सही बोला। आदिल के घर वाले ने कुछ आपको कॉल करने की इस दौरान कोशिश की या फिर आपने उनको कॉल करने की कोशिश की? मैंने एक बार को कॉल किया था उनके डैड को, उन्होंने काट दिया, बात नहीं की मेरे से। काट दिया। मैं मैसूर जाऊंगी तो उनके घर जाने वाली हूँ, एक बार जाऊं तो सही, जाना भी चाहिए आपको। मैं कैसा है घर क्या है, मैं तो कभी आदिल तो मुझे कभी लेकर नहीं गए, अब तो मैं ही घुस जाऊंगी। हाँ ससुराल जाने का, ससुराल है भाई मेरा, इसके पहले कोई और घुस जाए मैं घुस जाऊंगी जाके, क्या बोलती हूँ? बिल्कुल सही। मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद ही घुसूंगी। पति चोर की भी बैंड बजानी है मुझे, उसकी अपने आप बच जाएगी। बैंड बजी हुई है मेरे घर। हाँ मैंने सुना है कि कल जब उनका कुछ क्या था जो भी था क्या हुआ, जो रोड़ा मीडिया से काफी डर चुके थे, आपकी पति चोर मीडिया से काफी डर रही थी, जवाब ही नहीं दे रहे। डरना तो चाहिए, जब गुनाह किया है, किसी का घर तोड़ा है, पति चुराया है, कितने दिन चुराएंगे पति? राखी जी आपने जैसे कि आदिल पर केस लिया है, लेकिन वो पति चोर है उस पर आपने कुछ कार्रवाई? सारे केस एक साथ में ही कर दूं क्या? पुलिस उतनी खाली बैठी है क्या? हौले हौले धीरे धीरे, अभी तो इतनी धाराएं हैं मेरे साथ साथ, 8-8 धाराएं हैं। एविडेंस जुटा रही क्या? नहीं एविडेंस तो है, फोटोज है, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन हमारे यहाँ पर कानून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है तो केस होता है, बट मैडम तो चुप चुप के रंगरलियाँ मना रही है, कैमरे सामने, कैमरे के सामने तो पति चोर डर रही है,
मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप दोनों मिलना पसंद करेंगे उनसे, मतलब बात करना, ऐसा क्यों किया दोनों, मेरा घर क्यों जाना, ऐसा आप मतलब बात करना कोशिश करेंगे इनसे पूछो। अगर कोई चोर सामने से आके हमसे बात करना चाहेगा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन चोर सामने तो आए, चोर एक बार सामने तो आए, वो इंसान जो डर रहा है 100% वो चोर है। वो सिर्फ फोन पे ही गिदड़ भपकियां दे रही है। पति चोर को तो मेरी शर्लिन, मेरी दोस्त, मेरी जान, उस वही निपट लेगी अकेली। वो मेरी जान है शर्लिन चोपड़ा। कपड़े प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो आप आदिल को, उनके अपने ससुराल जाने की बात कर रहे हो, उनके साथ इतना बर्ताव हो रहा है, कभी मन में ये नहीं आया कि आपको दया आ रही है उन पे? भाई तेरी बहन है, आपकी बात कर रहा है। नहीं नहीं, आपकी बहन है, आप सोचो कि मैं आपकी बहन हूँ और मेरी शादी हो गई है उनसे, और मुझे बहुत प्रताड़ित किया भाई, मेरा केस सुनो। तो फिर अगर जो अगर आप मेरे को सच्चे दिल से बहन मानोगे ना, तो आप मेरे को कभी नहीं बोलोगे आपको आपको उस पर दया आ रही है क्या, उसने जितना मुझे टॉर्चर किया है, मेरा केस पढ़ो, आप समझ रहे हो ना। बहुत बहुत सहा है मैंने, मेरी माँ चली गई, रुलाओ मत अब मुझे, बहुत रो लिया, अब उसके रोने के दिन आए हैं। राखी जी, इसके अलावा बात करूं नेक्स्ट ईयरिंग में किस तरह से आपकी आपके एंड से पेशकश रहेगी? अभी तो पुलिस जो मुझे ओशिवारा पुलिस पे पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मेरी जो हार्ड ऑन मनी जो पूंजी है वो निकला है, मेरी पूंजी निकला है, मेरी माँ तो वापस आ नहीं सकती है ना, मुझे कोर्ट से मेरी पूंजी मिल जाए, जो जो भी मेरी माँ के जेवर है वो मुझे मिल जाए, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट के हाथ में है, नो डाउट पति पत्नी का मामला है कोर्ट के हाथ में और ओशिवारा पुलिस स्टेशन के हाथ में है, और मैं कानून कभी हाथ में नहीं लेती हूँ, मुझे कानून पे विश्वास है। क्या बोलते हो? राखी, अभी आप आदिल से और रजनी ताई साळुंकर, रजनी साळुंके आयो है ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, वो एक महिला है और उन्होंने मुझे बहन बोला है, और इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो स्ट्रांगली कर रही है, बैंड बजा के सब पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन चल रही है आदिल की। दूध का दूध पानी का पानी होगा, पानी नीचे जाएगा दूध ऊपर आएगा, देखना। राखी, अभी आप आदिल से मिले थे तो उनका रिएक्शन क्या था आपको देखकर? जो प्यार उभर रहा था, वैसे हेकड़ी उसकी गई नहीं, पहले उससे देख रहा था गुस्से, कोर्ट में भी गुस्से से देख रहा था, फिर मुझे ही देखे जा रहा था, मैंने नहीं देखा हालांकि, क्योंकि अंदर मुझे दर्द है ना, एंड बहुत ही प्यार से देख रहे थे, आई लव यू बोला और ऐसा किया मैंने, मैंने घर में कभी नहीं किया भाई, आई लव यू बुलवाने के लिए, ऐसा करने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा भाई। वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, अभी सब निकलेगा, ऐसा ऐसा सब है ना, सब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सब झूठ है, वो सब नाटक है उसका, मैं जानती हूँ, 8 महीने मैंने गुजारे हैं। राखी, मैं जानना चाहूंगा जिस तरह इन्होंने अभी जिक्र किया कि कल आपकी मुलाकात हुई, क्या उनके कोई करीब भी उस कोर्ट में थे जो आपसे संपर्क करने की कोशिश की, उनके उन्होंने कोई मैसेज पहुंचाया रहेगा, आदिल ने उनको कहा रहेगा कोई? उसको ऐसा लगता है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बुलाऊंगा, कोर्ट में सबूत पेश करूंगा, तो भैया मुझे पहले 100 कॉल आए हैं मिलने के लिए, मैं भी कोर्ट में पेश करूंगी। कानून तो अभी रोज़ कोर्ट कचहरी जाके मैं लॉयर बन गई हूँ, अभी खुद ही केस, दिल काला कोट पहनूंगी, खुद का केस खुद ही लड़ूंगी, दिल कर रहा है अभी मुझे। तो जैसे परेश रावल जी ने किया था। हाँ ऐसा कर रहा है। तो ये दुनिया में सिर्फ सबूत चाहिए होते हैं, और ज़रूरी नहीं जिसके पास सबूत नहीं होता कि वो बेकसूर नहीं होता, खुदा है ना सबूत पैदा कर देता है कहीं से भी। आदिल कितना जोर लगा रहे अपने ओर से, कुछ पता है? पूरा फुल सेटिंग कर रहे हैं आदिल, फुल जोर लगा रहे, हाथ पैर मार रहे, लेकिन देखिए एक बार मैं भी जिंदगी में ना, मैं इंसान हूँ, मैं मिट्टी हूँ,
उनको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कल भी बोला नमाज़ पढ़ना जुम्मे की, 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, खुदा से माफ़ी मांगो, मुझसे नहीं, मैं तो कोर्ट में हुई हूँ। ऊपर वाले ने माफ़ कर दिया ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कभी डिवोर्स फाइल नहीं करूँगी, मैं तलाक में बिलीव नहीं करती, मैं घर बसाने में बिलीव करती हूँ, तलाक में मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ। एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही शादी, एक ही पति, पाक रहना है, पाक आप रहेंगे ना तो खुदा का जो आत्मा है आप में आएगा और आप सही रास्ते पर चलेंगे। चाहे वो आए ना आए, इनके नाम से मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी और एक क्यूट सा बच्चा अडॉप्ट करूँगी और उसकी परवरिश करूँगी मैं। Am I right? Any question? No. Thank you so much, Rakhi. Thank you. बस धन्यवाद। निकल गया।